नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन आपको कैसे करना है, रोजगार पंजीयन के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में दोस्तों कोई भी सरकारी नौकरी आपको अगर उसके लिए फॉर्म आपको अप्लाई करना है तो रोजगार पंजीयन आपका बनेगा, तभी आप इसकी कोई भी फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि आपका एमपी पुलिस हो गया, एमपी पीएससी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, जेल प्रहरी पटवारी वगैरह हो गया, तो भी व्यापम के अंदर जो भी आपको वैकेंसी निकलती है उस वैकेंसी के लिए आपको रोजगार पंजीयन बहुत जरूरी, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस पोर्टल पर देखिए बहुत सारी कंपनियां और नौकरी की तलाश करने वाले दोनों ही लोग इसका पंजीयन करा सकते हैं। पोर्टल के जरिए आवेदक अपने फील्ड, नौकरी और जगह का चुनाव दोस्तों आसानी से वो कर सकते हैं। राज्य के बेरोजगार युवा अपनी शैक्षिक योग्यता और अनुभव के आधार पर अच्छा रोजगार यहाँ पर पा सकते हैं। ठीक है, रोजगार पंजीयन के बेरोजगार युवा अपनी शैक्षिक योग्यता और अनुभव के आधार पर अच्छा रोजगार पा सकें, इसलिए दोस्तों यहाँ पर रोजगार पंजीयन आपको करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपको रोजगार पंजीयन कैसे बनाना है, कैसे आपको अप्लाई करना, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक आप जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए दोस्तों ऐसे ही अपडेट आपके लिए मैं लाता रहता हूं। तो वीडियो करते हैं दोस्तों शुरू। यहां पर आपको अपनी मोबाइल के, अपनी कंप्यूटर लैपटॉप के किसी भी स्क्रीन पर आपको कोई भी एक ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। उसमें दोस्तों यहां पर आपको टाइप करना है एमपी रोजगार पंजीयन। ठीक है, यहां पर आपको एमपी रोजगार पंजीयन दोस्तों यहां पर आपको टाइप करना है। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले वाले जो साइड आपको दिखती है दोस्तों, इस पर आपको करना है मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल, इस पर आपको करना है क्लिक। तो ये दोस्तों रोजगार पोर्टल का दोस्तों ऑफिशियल साइट है, यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले अगर आपको किसी का पहले से अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा है तो वो यहां पर लॉग इन करके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। अगर किसी को पहले से बना रखा है रोजगार पंजीयन, वो अपडेट करना चाह रहे हैं, यहां पर आपको अपडेट वाले क्लिक कर सकते हैं। अगर किसी को नया बनाना है तो भी यहां पर आपको इस पर करना है क्लिक। तो सबसे पहले आपको इस पर कर लेना है क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू ईयर इस पर दिया, तो सबसे पहले आपको साइनअप करना है। ठीक है, साइनअप में आपको अपने डेटा आपको देना रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको साइनअप कर लेना है। जैसे आप साइनअप करते हैं उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले अपना नाम आपको डाल लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट नेम आपको डाल लेना है, मिडिल नेम है तो वो आपको डाल, नहीं तो आपको छोड़ देना है। अपना एक मोबाइल नंबर आपको डाल लेना है, अगर आपको ईमेल आईडी डालना चाहते वो दे सकते, नहीं तो ऑप्शनल है, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक पासवर्ड अपने हिसाब से आपको क्रिएट कर लेना है, यहाँ पर आपको दोबारा से कंफर्म आपको पासवर्ड डालना है। ठीक है, पासवर्ड में आप अपना जैसे कि यहाँ पर आपको ए कैपिटल है आरव एट द रेट 123। ठीक है, इस तरह से अपना पासवर्ड आप बना सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डू यू वॉन्ट टू ऑप्शनल इन फॉर अपडेट ऑन व्हाट्सअप, व्हाट्सअप पे आप अपडेट चाहते हैं, यहाँ पर आपको यस करते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी व्हाट्सअप नंबर आपको दे देना, नहीं तो आपको इसी सिंपली आपको नो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको रजिस्टर इस पर आपको करना है क्लिक। तो जैसे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया उसके बाद यहाँ पर आपको ओटीपी डालने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई करना है। आपने ओटीपी डाला उसके बाद में देखें आपके यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुल। ठीक है, तो आपका जो सिटीजन रजिस्ट्रेशन वो आपका कंप्लीट हो चुका है, इस पर आपको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर आपने दिया था, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपका समग्र आईडी में आपकी केवाईसी है, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है कि आपको केवाईसी करना बहुत जरूरी है। केवाईसी होगी तभी आपका रोजगार पंजीयन बन पाएगा यहाँ पे। तो समग्र आईडी और आधार कार्ड की केवाईसी और समग्र आईडी के अंदर में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, समग्र आईडी में आपको मोबाइल नंबर कैसे जोड़ना है, उसकी केवाईसी कैसे करना है, तो आपको ये वाला वीडियो आप जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताइए कि आपको केवाईसी कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले जो मोबाइल नंबर आपने दिया था रजिस्ट्रेशन करते समय, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डालना है, यहाँ पर आपको जो कैप्चा है वो आप यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद आपको सिंपली लॉग इन पर करना है क्लिक। लॉग इन किया उसके बाद में आपको इस तरह से डैशबोर्ड दिखेगा, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे आपको इसका जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पर आप देख सकते हैं एमपी सर्विस पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आपने जो भी नाम डाला है दोस्तों, वो यहाँ पर आपको जो आप नाम जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके में आपका जो नाम है वो यहाँ पर आपका शो करा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बहुत सारे सर्विसेज आपको मिलती है। ठीक है, ई पास वगैरह, यहाँ पर आपको सबसे नीचे भर्ती एवं रोजगार, ठीक है, इस पर आपको करना है क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे रोजगार कार्यालय में पंजीयन एवं नवीनीकरण। ठीक है, तो आपको इस पर यहाँ पर करना है। अगर जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट की और भी स्कीम निकलती है, जैसे कि मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना हो गई, ठीक है, ATS मध्य प्रदेश साइबर एनालिसिस यूनिट हेतु संविदा भर्ती, तो ऐसी भी निकलती है, इसके लिए भी आपको रोजगार पंजीयन होना बहुत जरूरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बात करेंगे कि मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आवेदन करें, इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद करते हैं लॉग इन करने के बाद, यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो आपने जिस नाम से लॉग इन किया है वो यहाँ पर आपको डिटेल शो करा जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो आवेदन इस पर आपको इस यहाँ पर देख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल वो आपको देना है। अगर आप नया पंजीयन करना चाहते हैं यहाँ पर आपको टिक करना, अगर आप पुराने को अपडेट कर, पुराना आपका रोजगार पंजीयन बना है उसको अपडेट करना चाह रहे थे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, नीचे आप देखेंगे क्या आवेदक आवेदिका मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, तो यहाँ पर आपको हाँ करना है। अगर आप एमपी के बाहर के हैं तो यहाँ पर आपको नो करना है, यहाँ पर आपको नो कर देना है। ठीक है, अगर आप एमपी के बाहर के हैं यहाँ पर आपको नो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर आपको आवेदक या फिर आवेदिका का समग्र आईडी, आपको 9 डिजिट का जो समग्र आईडी होता है वो आपको यहाँ पर आपको डालना है। समग्र आईडी में आपको तभी डालना है दोस्तों, आपका जो समग्र आईडी है उसकी आधार कार्ड से समग्र आईडी, आपकी ई केवाईसी होना बहुत जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, केवाईसी समग्र आईडी में आप देखेंगे यहाँ पर आपको केवाईसी होना जरूरी है तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। केवाईसी कैसे करना आपको ये वाला वीडियो आप जाकर देख लीजिए, इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाकर आप इसको केवाईसी आप कैसे करना वो जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको 9 डिजिट का समग्र आईडी नंबर आपको डालना है। यहाँ पर आपको जानकारी खोजे इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आपने जानकारी खोजे इस पर क्लिक किया उसके बाद में जो नंबर आपका समग्र आईडी के साथ में लिंक नंबर है उसी नंबर पर ओटीपी जाएगा। यहाँ पर आपका ओटीपी जो है दोस्तों भेज दिया है, तो ओटीपी यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओटीपी डाल दिया उसके बाद में सत्यापित करें जानकारी इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे आप सत्यापित करेंगे उसके बाद में आपका ओटीपी वो भी आपका वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे समग्र डेटा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया, आपका जो समग्र आईडी आधार कार्ड की जो केवाईसी थी उसी बेस पर आपका समग्र के हिसाब से आपका जो डेटा यहाँ पर फेस करता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। तो ओके कर दिया उसके बाद में यहाँ पर आपका जो समग्र आईडी जो आपका आधार कार्ड में फोटो हुआ फोटो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपका जो भी नाम है फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम जो भी आपका नाम है समग्र के हिसाब से वो आ जाएगा, यहाँ पर आपका जो भी डिटेल वो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कुछ डिटेल अगर आपको छूटी है तो वो डिटेल अपने आपको आपको फिल करना, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे आवेदक वाला। ठीक है, आवेदक या फिर आवेदिका, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में क्या आपका यहाँ पर रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है, क्या रिलीजन है वो आपको डाल लेना है। उसके बाद में कैटेगरी आपको डालना है, क्या कैटेगरी आपकी एस सी एस टी ओ बी सी वो डालना है। पसंदीदा क्षेत्र आप देख सकते हैं, पसंदीदा क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे क्या आप अपने एम्प्लॉयमेंट है वो आप डाल सकते हैं, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के अंदर वो आप डाल सकते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय। तो अगर कुछ नहीं करते करेंगे आवेदक या फिर आवेदिका का वर्तमान पता मतलब कि आपका प्रेजेंट एड्रेस वो आपको डालना है। अगर आप शहर पर शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं आपको इस पर टिक करने देना, अगर आपको ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं आपको ग्रामीण पे करना है टिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्रामीण पे टिक कर लेते हैं अगर आपको ग्रामीण क्षेत्र है, शहर है तो आपको शहरी जिले करना है। यहाँ पर आपको सिंपली अपना डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको डाल लेना है, जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको डाल लेना है। रोजगार कार्यालय, ठीक है, रोजगार कार्यालय में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वही आपका रोजगार कार्यालय होता है क्योंकि उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका रोजगार कार्यालय होता है। उसके बाद में ब्लॉक आपको डाल लेना है, ब्लॉक क्या है कौन से आपको ब्लॉक या फिर तहसील क्या लगती है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। पंचायत क्या लगती है आपके ग्रामों की, जो भी पंचायत है वार्ड है जो भी आपको डालना है, अगर आपको डालना है जो भी पंचायत के अंदर में कौन सा गांव आता है वो गांव आपको यहाँ पर आपको डाल लेना है। उसके बाद में जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर आपको डाल लेना है। जो भी आपका आधार कार्ड या फिर समग्र आईडी में जो एड्रेस है वो आपको मैनुअली यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। ठीक है, मैनुअली आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। अगर कोई शहरी क्षेत्र से बिलोंग करता है तो यहाँ पर आप शहरी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो रहेगा, आपका कार्यालय वही सेम रहेगा। लोकल बॉडी क्या लगता है आपका, नगर पंचायत या फिर नगर पालिका नगर निगम क्या लगता है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में क्या कौन सा वार्ड नंबर आपको लगता है वो यहाँ पर आपको वार्ड डाल लेना है। उसके बाद में पिन कोड आपको डालना है और यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो मैनुअली आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। ठीक है, तो दोनों आपका शहरी और आपका ग्रामीण का दोनों मेन एड्रेस आपको कैसे फिल करें वो बता दिया है। यहाँ पर आप नीचे देखिए अदर डिटेल में यहाँ पर आप देखिए आवेदक निशक्तजन है या फिर आपको कोई विकलांग वगैरह है तो यहाँ पर आपको हाँ करना है, कर देना। अगर है तो फिर किस प्रकार का आपका विकलांगता है वो यहाँ पर आपको देना है, नहीं तो सिंपली आपको आपको नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद में क्या आवेदक अभी पूर्व या वर्तमान में किसी संस्था में कार्यरत है, अगर वो है तो यहाँ पर आपको हाँ करना, नहीं तो आपको नो कर देना है। ठीक है, सारी जानकारी आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर चेकबुक पर क्लिक करना है, उसके बाद में सेव करें इस पर आपको कर देना है क्लिक। आप सेव करते हैं उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यक्तिगत जानकारी को सफलतापूर्वक सेव कर लिया गया है। ठीक है, तो आप जैसे सेव करेंगे उसके बाद में आपको इस तरह से डैशबोर्ड दिखाया, इसको आपको ओके कर देना है। उसके सेव कर लिया जानकारी उसके बाद में सबसे ऊपर वापस आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षा संबंधी जानकारी यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले लिखा है शिक्षा संबंधी जानकारी 2024 का। मैं आपको लेटेस्ट प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ कि आप पूरे वीडियो को आप एंड तक देखिएगा 2024 के अंदर में कैसे आपको रोजगार पंजीयन बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षा संबंधी जानकारी आपको देना है। सबसे पहले आपकी उच्चतम योग्यता भरे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, मान लो अगर आप किसी ने एमए कर रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको पीजी डालना है। ठीक है, उसके बाद में पीजी के अंदर में आपको एमए किस सब्जेक्ट से आपने किया है वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको डालना है। सबसे पहले आपको एमए डाल दिया, उसके बाद एमए आपने क्या सब्जेक्ट किया है तो वो सब्जेक्ट यहाँ पर यहाँ से आपको डाल देना है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट डाल लेने के बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में आपने जो एमए किया है कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है तो वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको डाल लेना है। आपको पासिंग ईयर यहाँ पर आपको डालना है, पास का आपने क्या वो डालना है और क्या डिवीजन क्या ग्रेड था आपका वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद में अतिरिक्त योग्यता जोड़ें इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपका जो देख रहे शिक्षा संबंधी जानकारी सफलतापूर्वक यहाँ पर दर्ज कर ली गई है। ठीक है, तो इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपका जो नीचे यहाँ पर आपका डेटा शो हो जाएगा। ठीक है,
तो उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको सारी जानकारी एमए डाल लेना, फिर बीए डाल लेना, फिर ट्वेल्थ डाल लेना, लास्ट में आपको टेंथ डालना है। तो आपको सबसे पहले हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर आपको डाल लेना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपने ऐड कर ली, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो क्वालिफिकेशन आपने जो डाली है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सारी क्वालिफिकेशन आपको अपने हिसाब से आपको डाल लेना है। उसके बाद में आपको दूसरी और भी ऐड करना है, यहाँ पर आप देखें पहले आपने डाल ली थी वो आपको ऑप्शन यहाँ पर वो हो गया, ब्लैंक हो गया है। उसके बाद में आपको दूसरी क्वालिफिकेशन जोड़ना, सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको खाली हो चुके हैं, ठीक है, ब्लैंक हो चुके हैं। तो आपको दूसरी क्वालिफिकेशन आपको डालना है, उसके बाद आपको अतिरिक्त योग्यता जोड़े इस पर आपको कर देने के लिए। तो इस तरह से आपकी सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आपने फाइनल सेव करें इस पर आपको कर देना है क्लिक, ठीक है। आपको एक बार सेव कर लेना, उसका आपको दोबारा कोई भी आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो फाइनल सेव करें इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे फाइनल सेव करते हैं उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अंतिम सेव करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर आपको हाँ कर देना है, ठीक है। जैसे आपने हाँ किया उसके बाद आप देखेंगे आपका पंजीकरण नंबर सफलतापूर्वक दर्ज हो चुका है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो रोजगार पंजीयन वो कंप्लीट आपका हो चुका है। इस पर आपको आपने ओके किया उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो फोटो वगैरह है, आपका रोजगार पंजीयन का नंबर वो आ जाएगा, किस तारीख को आपने बनाया रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो फोटो है वो भी यहाँ पर आपको फोटो अगर आप चेंज करना चाहते हैं फोटो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आपको सारी जानकारी यहाँ पर आपको शो करा जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो नेक्स्ट रिन्यूअल डेट है, ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे आज आपने बनाई 2024 में, आपका 27 मतलब कि 3 साल के लिए जो रोजगार पंजीयन की जो वैलिडिटी लाइफ टाइम होता है वो 3 साल के लिए होता है, ठीक है। तो 3 साल के अंदर भी जैसे जनवरी 2027 में, इसके पहले ही आपको मतलब दिसंबर के अंदर में इसका रिन्यूअल आपको करवा लेना है, फिर जनवरी 27 में आपको रिन्यूअल करवा लेना, तब आपको प्रिंट पे कर देना है क्लिक। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप प्रिंट लेकर अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों कैसे बनाए मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मैंने आपको बताई। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको थोड़ी सी भी अगर वीडियो से मदद मिलती है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन नीचे बुलाएं। और अगर दोस्तों अगर आपके और भी कोई डाउट अगर है तो मुझे मेरा एक व्हाट्सअप चैनल पे मैंने बना लिया, व्हाट्सअप चैनल पे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे इंस्टा आईडी नीचे दे रखे दोस्तों, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर आपको जानकारी बताते रहूँगा। अगर आप मुझे व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करते हैं यहाँ पर आपको कोई भी अगर आपको कंसर्न है, कोई भी आपका क्वेरी है, तो मुझे आप इस व्हाट्सअप ग्रुप पर आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते, मिलते हैं नई किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।